पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी के पैर छुए। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज ने एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में जब पीएम मोदी को होस्ट किया था तब उन्होंने सबके सामने कहा था पीएम मोदी इज द बॉस। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो जापान के क्वाड समिट में पीएम मोदी का ऑटोग्राफी मांग लिया। और ये सब किस लिए? एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए जो उनके देश के भी नहीं है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? आई मीन ऑस्ट्रेलिया के पीएम तो पीएम, उसके तो ऑपोजिशन लीडर्स तक जेलस थे कि एक दूसरे देश के पॉलिटिकल लीडर का नाम एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में 20,000 लोग कैसे चिल्ला सकते हैं। अब इसको बहुत सारे लोग शायद मोदी जी का करिज्मा कहे, बट एक फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने अपने करिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में कहा था, उसके बिहेवियरल अपीयरेंस से तो आता है पर ओरिजिनली वो सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स से भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड होता है। बस इसी का आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्यों और कैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज पूरे वर्ल्ड के फेवरेट लीडर बन चुके हैं। हम मेजरली चार चीजों पे बात करेंगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, पर्सनालिटी एंड डिसीजन मेकिंग। अगर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करें तो पिछले सिर्फ 10 सालों में ही ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की पॉपुलेशन डबल होकर उनके टोटल पॉपुलेशन का 3% बन चुकी है। जबकि इतना रिप्रेजेंटेशन तो आज इंडिया में भी थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप्स क्रिश्चियंस और सिख्स का भी नहीं है। नो वंडर लास्ट इलेक्शन के वक्त इन इंडियन वोटर्स को जीतने के लिए एक्स ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन इंस्टाग्राम पर मद्रास करी के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे थे। वहीं पे करंट ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज हिंदू देवी देवता की आरती करते हुए नजर आ रहे थे। इसका नतीजा ऐसा निकला कि एक्चुअल इलेक्शन से पहले होने वाले एग्जिट पोल सर्वे में जिस कैंडिडेट को 40% इंडियंस ने वोट किया था वही कैंडिडेट फाइनली इलेक्शन भी जीता। सेम हुआ 2020 में यूएस के साथ, करीब 72% इंडियन अमेरिकन प्लान कर रहे थे कि वो बाइडेन को वोट करेंगे। एंड गेस हू इज देयर प्रेजिडेंट नाउ। सो जस्ट इमेजिन कि जब ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ऐसे ही बाकी डेवलप्ड नेशंस में इंडियन डायस्पोरा को एक डिसाइसिव पोजीशन में देखा जाएगा तो दुनिया भर के 150 से ज्यादा डेवलपिंग नेशंस के सामने इंडिया और इंडियन पीएम की किस तरीके की ग्लोबल इमेज पोर्ट्रे होगी। बस यही आ जाता है मोदी पॉपुलैरिटी के पीछे सेकेंड रीजन, जियोपॉलिटिक्स। हाल ही में पैसिफिक नेशन पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ के देशों का लीडर कहा था। उनके हिसाब से दुनिया के ऑलमोस्ट सभी डेवलप्ड देश नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में स्थित है एंड वो सिर्फ नॉर्थ के प्रॉब्लम्स की ही बात करते हैं, जबकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सहने वाली डेवलपिंग वर्ल्ड तो साउथ में बसती है। ऑल्सो काफी इयर्स तक इस ब्लू ग्लोबल नॉर्थ ने कॉलोनीज बना बनाकर रेड ग्लोबल साउथ को एक्सप्लॉइट भी किया है। इसीलिए इस सब को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में ग्लोबल साउथ के 14 पैसिफिक आइलैंड देश जैसे कि कुक आइलैंड, फिजी, किरीबाती, मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, ये सारे देश ग्लोबल साउथ के एक ब्राइट स्पॉट यानी कि इंडिया को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के पैर भी छुए थे। बट ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। एंड जितनी रिसर्च हमने की उससे यही लगता है कि पैसिफिक आइलैंड्स या फिर इन जनरल ग्लोबल साउथ की बात करने में पीएम मोदी और इंडिया भी अपना ही फायदा देख रहे हैं। एक्चुअली ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा पर पीएम बनते ही मोदी जी ने ग्लोबल साउथ के इश्यूज को उठाने के लिए 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को मिलाकर एक फोरम बनाया था, फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, FIPIC। इसके जरिए इंडिया ने सोचा था कि वो किसी सुपर पावर कंट्री की तरह ही ग्लोबल इश्यूज की बात करेगा, लेकिन उनकी नहीं जिनके ऊपर सब बात कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, रशिया यूक्रेन वॉर, इस पर सब लोग बात कर रहे हैं। इंस्टेड अगर इंडिया को लाइमलाइट में लाना है तो हमने सोचा एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो यूनिक हो। तो बस फिर इंडिया ने ग्लोबल साउथ का एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया और ऑनगोइंग इश्यूज को भी इस मुद्दे से लिंक कर दिया। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय द ग्लोबल साउथ। देखो कोई देश आपके उठाए मुद्दों पर अपना टाइम और मनी क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर आप उसके देश में सिर्फ शब्द इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे। सो इंडिया ने उन 14 पैसिफिक नेशंस के कल्चरल, स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल बेटरमेंट के लिए इंडिविजुअली करीब 2,00,000 USD पर ईयर का फंड अलॉट किया है और साथ ही उनके ब्यूरोक्रेट्स को इंडिया में ट्रेनिंग देने का वादा भी किया है। नाउ आई नो ये सुनने में एक वेस्ट ऑफ मनी लग रहा होगा बट 14 देशों के लिए जाने वाले इन फंड्स को अगर हम मिलाकर भी कैलकुलेट करें तो ये हमारे GDP का सिर्फ 0.0001% है। बट इसके बदले हमारे देश इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ग्लोबल लेवल पर एक सेंटर स्टेज मिल सकता है एंड इनफैक्ट इसका रिजल्ट भी दिखने लग गया है। दुनिया भर के सभी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स में से पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग पिछले 4 सालों से लगातार हाईएस्ट बनी हुई है, जबकि यूएसए, दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बाइडेन की अब तक की हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग मोदी जी के पिछले कुछ सालों में आई सबसे लोएस्ट रेटिंग से भी कम है। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट रीजन बिहाइंड मोदीज पॉपुलैरिटी, पर्सनैलिटी।
बाकी लीडर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और मोदी जी कैसे इंटरेक्ट करते हैं 200 लीडर्स के साथ, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको एक स्टॉन्च कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। आप इन्हें कभी नहीं देखोगे एक दूसरे से एकदम गर्म जोशी से गले वगैरह मिला के मिलते हुए, पर अब देखो यही सेम लीडर्स पीएम मोदी से कैसे मिलते हैं। बस बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। मोदी जी के मामले में ऐसा लगता है जैसे दो देशों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बल्कि दो पुराने दोस्त मिल रहे हो। इनफैक्ट एक बार तो मोदी जी ने खुद बताया था कि वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलने गए थे रात के 11 बजे, लेकिन उनकी बातें सुबह के 4 बजे तक चलती रही। सो डेफिनेटली मोदी जी की ये पर्सनालिटी उन्हें वर्ल्ड लीडर्स से काफी क्लोज रिलेशन बनाने में हेल्प कर रही है। कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 4:45 बजे होटल वापिस आया। बट ऑफकोर्स एज आई सेड अर्लियर, ये सब कुछ पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब पीएम मोदी वर्ल्ड स्टेज पर बाकी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स से जब इस तरीके से मिलते हैं तो इससे इंडिया को दो चीजें हासिल होती। पहले तो पीएम मोदी उनके यूनिक स्टाइल के कारण लीडर्स के बीच अलग से हाईलाइट हो जाते हैं और चारों तरफ उनकी चर्चा होने लग जाती है। एंड दूसरा, इंडिया की इन हाउस पॉपुलेशन को बड़े देशों के साथ बराबरी का एहसास होता है। अब पीएम मोदी की जो पर्सनालिटी है इसका इंडियन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में कितना बड़ा रोल प्ले होता है, क्या फायदा होता है कि नहीं फायदा होता है, वो डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। बट हाँ, इतना है कि इससे एटलीस्ट वो ग्लोबली न्यूज में बने रहते हैं एंड उनके रिलेशंस बाकी लीडर्स के साथ कंपैरेटिवली अच्छे हो जाते हैं। अब आते हैं लास्ट रीजन पे, विच इज मोदी जी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट पे तो स्पेसिफिकली हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि ये जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं वो सही थे या गलत थे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उन्होंने काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस में डिसीजन लिया जो अपने आप में ही दूसरे देशों के लीडर्स के साथ रिलेशंस बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो देखो, 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले इंडियन पीएम बनते हैं जो इजराइल का दौरा करके आते हैं, यानी उसको विजिट करके आते हैं प्रॉपर्ली। इससे पहले अरब नेशंस की नाराजगी से बचने के लिए किसी इंडियन पीएम ने ऐसा नहीं किया था। देन उसी साल जब इजराइल यूएस के सपोर्ट से जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाने का यूएन में प्रपोजल रखता है तो इंडिया अरब नेशंस के साथ मिलकर उसे स्ट्रक डाउन कर देता है। एंड ये सब के बावजूद एक महीने के अंदर अंदर ही इजरायली पीएम नेतन्याहू करीब 100 इजरायली कंपनीज के 130 बिजनेस डेलीगेट्स को लेकर फिर भी इंडिया आते हैं और 9 कोऑपरेशन डील साइन करते हैं। ये सब के पीछे का मतलब समझ रहे हो? ऐसे की डेवलपमेंट्स को देखकर ग्लोबली अब इंडिया को उस स्टेज पर देखा जा रहा है जहां वो बिना किसी वर्ल्ड पावर या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हुए खुद का ग्लोबल एजेंडा खुद से सेट कर सकता है। ऐसी डिप्लोमेसी बिना किसी बैकलैश के और कौन सा देश कर सकता है? प्रोबेबली सिर्फ यूएस, क्योंकि एक तरफ वो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, वही दूसरी तरफ वो इजराइल का सबसे बड़ा क्लोज एलाई है। सो एक ही टाइम पे यूएस के तो दोनों दुश्मन देशों के साथ अच्छे रिलेशन है। सो ऐसे में क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में इंडिया भी इसी रास्ते पर निकल रहा है तो एटलीस्ट इससे ऐसा पोर्ट्रे होता है कि अनडाउटेडली मोदी जी को भी एक टफ पावरफुल लीडर के तौर पर देखा जा रहा है जिसे क्रैक करना काफी मुश्किल है। यस, इसका एक और एग्जांपल ले लो, यूके के साथ चल रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ड्रामा। यूके की बिगड़ती इकोनॉमी के कारण सिर्फ 2 महीने में उनके 2 PMs को रिजाइन करना पड़ा। ऐसे कंडीशन में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए एक लाइफ सेवर बन सकता था, लेकिन 2020 में ही ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी डील पर पहले तो यूके की होम सेक्रेटरी सुमेला ब्रेवरमैन ने पानी फेर दिया यूके में बढ़ते इंडियन इमिग्रेशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट पर सवाल उठा के। और उसके बाद जैसे ही मामला हल्का सा ठंडा हुआ था तो वहां की इंडियन एम्बेसी पर खालिस्तानी अटैक और उस पर यूके पुलिस के ठंडे रिस्पॉन्स ने FTA को पूरी तरह से ICU में पहुंचा दिया। ये खालिस्तानी अटैक पर तो आपको याद होगा कि वहां पर जब अटैक किया था तो और यूके ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था तो इंडिया ने भी इंडिया में जो यूके की एम्बेसी थी वहां से सिक्योरिटी को कम कर दिया था, मतलब बेसिकली जैसे को तैसा, वो भी यूके के साथ। सो इंडिया अंडर पीएम मोदी इज क्लियर कि ये बड़े देशों का हैंडशेक विद वन हैंड एंड नाइफ विद द अदर हैंड ये वाला एटीट्यूड नहीं चलने वाला है। इनफैक्ट बड़े देश ही क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये इन जनरल भी काफी क्लियर कर दिया है कि नेशनल प्राइड, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के साथ अब बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलने वाला है। ये पुलवामा के बाद भी सेव हुआ था। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्शन को लेकर काफी क्लियर थी। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता। आतंकवाद भी करे और शांति की भी बात करे, ये थोड़ी चलेगा। लेकिन ये सब कुछ एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के तहत किया गया था। इस अटैक के दूसरे ही दिन इंडिया ने तुरंत 25 देशों को पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के क्लियर एविडेंसेस दिए ताकि इसके बाद जो इंडिया एक्शन लेगा वो एक्शन लेजिटिमाइज हो सके। इसके बाद जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स किए तो अगेन 12 देशों के साथ ऑपरेशंस के डिटेल शेयर किए गए ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई है इसके प्रूफ सबके सामने आ सके।
सो ये मास्टर स्ट्रैटेजी से इंडिया ने पहले तो बताकर मारा और दूसरा उसने टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, क्योंकि इससे पहले हमेशा इंडिया टेररिज्म से सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेज ही करता आया था, जैसे 1989 में टेररिस्ट को छोड़ देना क्योंकि उनके साथियों ने एलिजिटली उस वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद को किडनैप कर लिया था। अब मैं यहाँ पे एलिजिटली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रुबैया ने कश्मीरी पंडित को मारने वाले यासीन मलिक को अपना एबडक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया था, बट इसके बावजूद रुबैया की ही बहन और एक्स जम्मू एंड कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती खुद यासीन मलिक को हाल ही में प्रोटेक्ट करने कोशिश कर रही थी। खैर मामला जो भी हो, अब इंडियन लीडरशिप ने टेररिज्म को टॉलरेट करने से सीधा मना कर दिया है। इसीलिए मणिपुर में भी मारे गए इंडियन सोल्जर्स का बदला लेने के लिए म्यांमार में ऑपरेशन हॉट परस्यूट चलाकर टेररिस्ट का सफाया किया गया। इन सब एक्शन से 21st सेंचुरी में इंडिया की एक ऐसी इमेज बनती है कि पीएम मोदी के लीडरशिप में नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, एंड ऐसा सिर्फ वही देश कर पाते हैं जो काफी डेवलप्ड है। इसीलिए भी ये पीएम मोदी के पॉपुलैरिटी में एक मेजर फैक्टर हो जाता है। इनफैक्ट समय का खेल देखो, 2005 में जिस यूएस ने पीएम मोदी का वीजा कैंसिल कर दिया था तब वो सीएम थे, आज उसी यूएस का प्रेसिडेंट मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स इस पूरे वीडियो में हम कहीं नहीं कह रहे कि सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, पर एक चीज को कोई झुठला नहीं सकता कि आज इंडिया को लेकर जो एक ग्लोबल एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा चेंज हो गए। बट क्या आपके हिसाब से भी वाकई में आज हमारे पीएम ग्लोबली काफी फेमस है, एंड इफ यस तो ऐसा क्यों है? आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। बाकी तो आज मोदी जी की पॉपुलैरिटी को जस्टिफाई करने का एक सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि वो पाकिस्तान जो पहले इंडिया के अगेंस्ट था, आज वहाँ के पाकिस्तानी लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इस टॉपिक पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप लेफ्ट क्लिक करके उसको देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।